Assalamualaikum, grade 7. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. I am going to teach you the chapter number 1, that is food, and the subchapter is nutrition in plants. Nutrition in plants ko discuss karne se pehle hum sabse pehle dekhenge ki food hai kya, what is food, aur iski importance hamare liye kya hai. आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेके ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें उसके साथ साथ डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें सिर्फ फूड से मिलती है. ठीक हो गया. हम देखते हैं, फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज़ दोस रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. फूड क्या है बेसिकली, फूड कोई भी चीज़ है, जैसे हम क्या कहते हैं, हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स आती हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के डिफरेंट और रिसोर्सेज से हम सोर्सेज से फूड ले रहे होते हैं, एनिमल से ले रहे होते हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सारा क्या है, फूड है. ठीक हो गया. और इन सब चीज़ों से हमें मिलती क्या है, हमें एनर्जी मिलती है. और एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ज़िंदा रह सकें. हम क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये प्लांट्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह के लिए, सबके लिए, सब ने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उन सबको एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी. ठीक हो क्या. इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फूड की इंपॉर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है. इसको देख लेते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर एग्जिस्टेंस. सबसे पहली चीज़, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़. डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटी हमारे अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, जैसे डाइजेशन हो रही है या हम सांस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है. तो ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. अब हमने देखा कि हमें फ़ूड क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है. अब जो एनर्जी होती है वो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जो भी हम फूड ले रहे हैं, उस फूड को वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है. अब वो एनर्जी, अब जब कोई भी फूड, उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, कोई भी फूड जो हम ले रहे हैं, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, कोई भी चीज़ है, वो जब कन्वर्ट हो जाती है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. और ये न्यूट्रिशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है. इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, वो आप लोगों को पता है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है. उन प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए. आप लोगों को इस बात का भी पता है कि प्लांट्स का कोई मुंह नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जैसे हमारे अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है. तो वो अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह से, वो अपनी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरह से गेन करते हैं, वो अपना फूड किस तरह से लेते हैं और किस तरह से बनाते हैं, आप लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो वो किस तरह से अपना फूड बनाते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल से लेते हैं उनको लीव्स तक पहुंचाते हैं, वहाँ पे उनकी वो फूड जो है वो बनती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हैज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इज़ अ सब्सटेंस व्हिच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग टू डिराइव एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. न्यूट्रिएंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़, जैसे ऑर्गेनिज्म का हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का, आप लोगों ने ग्रेड 6 के अंदर भी पढ़ा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनका अपना अपना एक तरीका है फूड को लेने का, जिससे प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना लेते हैं. डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, वो छोटे एनिमल्स को का शिकार करके वो अपनी फूड लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स से फूड ले रहे हैं. ठीक हो क्या. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना 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 एक तरीकाकार है किसी भी फूड को डिराइव करने का. तो वो जब अपने वो फूड असल में ले क्यों रहे होते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए. उनको एनर्जी क्यों चाहिए, अपने मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग में से कोई भी सब्सटेंस को लेता है ताकि वो उससे एनर्जी हासिल कर सके अपनी मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए, उस सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. इसी तरह व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. द टर्म न्यूट्रिशन रेफर्स टू द मीन्स. इसके दो इसके पॉइंट्स बनते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी फूड हासिल कर रहा है. बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. ठीक हो क्या. इसके डिफरेंट हमने आप लोगों ने ग्रेड 6 में भी पढ़ा हुआ है
कि इसके डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया कि वो कोई प्लांट्स जैसे हैं, प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, कोई लाइन टाइगर जैसे वो दूसरे जानवरों को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं और वो वहाँ से अपनी फूड ले लेते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपनी फूड ले लेते हैं। इसी तरह जो उसका दूसरा पॉइंट बनता है, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कि क्या तरीका क्या है जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम जो फूड ले रहे हैं वो हमें देखें फूड ले रहे हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। असल में हमारी बॉडी को डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं, जो फूड हम लेते हैं, कोई भी हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस बाई केमिकल एनर्जी वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो जो न्यूट वो हम उसको हम क्या रेफर कर देते हैं, न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लांट न्यूट्रिशन, हमारा पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर जो है वो प्लांट के ऊपर बेस कर रहा है, तो हम सिंपल हम सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड, कौन सा तरीका है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो तरह के होते हैं, सबसे पहले जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड। इससे आप लोगों को समझ आ रही होगी कि सेल्फ और फूड का अगर हम लिंक करें तो किस तरह से इसका मतलब बन सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद कैसे तैयार कर रहा है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप से किस तरह से न्यूट्रिशन का, अपनी फूड का अरेंजमेंट कर रहा है। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज द ओन फूड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हमने देखा ऑटोट्रॉफी का मतलब कि जो फूड है वो खुद से कैसे बन रही है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये खुराक तैयार की जाती है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया ये भी प्लांट्स में आता है और इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्जी है। नाउ हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसके लिए हम छोटी सी एक एनिमेशन देखते हैं तो फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे कन्वर्ट दीज मटीरियल्स इंटू फूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने एनिमेशन देख ली, एनिमेशन के बाद जो प्रोसेस है, एनिमेशन में हमने देखा कि हम लोग का जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वाटर को सॉइल से, और फिर किसकी मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, और अपना फूड बनाते हैं, और उनका फूड हमेशा लीव में बनता है। ठीक हो गया। और उसके बाद इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसको फर्दर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए आप एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या होगा, लिस्ट द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। आप लोगों ने ऐसी चीज़ें लिखनी है, आप इसके लिए एनिमेशन देख सकते हैं इसकी हेल्प के लिए दोबारा, कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, अपनी खुराक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक हो क्या। ये होमवर्क आप अपनी कॉपीज़ पे कर सकते हैं, आप किसी भी शीट के ऊपर कर सकते हैं, आपके पास ब्लैंक शीट्स हैं, लाइन वाली शीट्स हैं, किसी के ऊपर भी, और ये काम आपका छुट्टियों के बाद चेक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर लेक्चर्स जितने भी अपलोड हों उसकी बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके।